अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं दही वड़े। ये मीठे वाले दही वड़े हैं। ये देखिए, इसे आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चलिए आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है। ये देखिए, सबसे पहले एक बाउल में मैंने 225 ग्राम दही ली हूँ। इसमें अभी हम 3 टेबल स्पून शक्कर डालेंगे। शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए और इसे अच्छे से हम लोग फेंट लेंगे। अभी इसे इतना फेंटना है कि ये एकदम क्रीमी फॉर्म में आ जाए और इसका शक्कर भी अच्छे से घुल जाए। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से फेंट ली हूँ। अब हम इसमें 1/2 कप दूध ऐड कर देंगे। आप चाहे तो पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन दूध ऐड करने से ये थोड़ी और रिच हो जाती है, इसीलिए हम इसमें दूध ऐड करेंगे। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ऐसे। अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 1 कप दाल को इस तरह से भिगा ली थी 4 से 5 घंटे के लिए। अब हम इसे एक जार में डाल करके थोड़ा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल के इसे पीस लेंगे। ये देखिए, हमने अपनी दाल को पीस लिए हैं। अभी हम अपना इसे फ्राई करेंगे। हम थोड़ा सा पानी का हाथ ऐसे लगा करके इसे इस तरह से गोल गोल ले करके तेल में छोड़ेंगे। ये एकदम ऐसे कहो, ये इतना गाढ़ा भी नहीं है, एकदम पतला भी नहीं है, बस इस तरह से है। इसे हमें एकदम घट भी नहीं रखना है और इसे हमें इसमें हमें कोई सोडा वगैरह नहीं डालना है, क्योंकि ये थोड़ा हल्का पतला है तो ये अपने आप ही ऐसे ही फूक जाएगा अच्छे से तेल में जाते ही। ये देखिए, यहाँ पे मैंने अपना तेल गरम कर लिया। अब हम छोटा छोटा इसमें डालते जाएंगे इस तरह से। इसी तरह से अब हम जितना हमारे पैन में आता है उतना डाल लेंगे। ये देखिए, हमने इसमें डाल दिए हैं। अब जो जो पकते जाएगा, पीछे से हल्के कलर आते जाएगा इसमें, हम उसकी साइड ऐसे इस तरह से चेंज करते जाएंगे। इस तरह से हमें साइडों को चेंज करते हुए इसे फ्राई कर लेना है। ये देखिए, मैंने इसके सारे साइडों को चेंज कर दियो और इसे हमें स्लो गैस पे ही पकाना है। इसे ज़्यादा हमें लाल नहीं करना है, हल्का इस पर कलर आ जाए गोल्डन, फिर हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, इसमें हल्के हल्के कलर आ गए हैं, अब हम इसे निकाल देंगे। ये देखिए, हमने सारे इसे निकाल लिए छान के। अब हम इसे डायरेक्ट एक कटोरी में पानी लेंगे और उसमें डाल देंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक कटोरी में पानी ली हूँ। अभी मैं इसे आहिस्ते आहिस्ते करके इसमें डाल देना है और इसे अच्छे से 2 मिनट के लिए हमें इसे इसी में भीगने देना है। ये देखिए, इसे पलटाते हुए जो साइड नहीं भीगा है उसे ऐसे टर्न करते हुए अच्छे से भीगा ले, या तो इसमें पानी और थोड़ा सा डाल ले, ये भीग जाए जब तक हम अपनी दही निकाल लेते हैं फ्रिज में से। ये देखिए, दही को मैंने निकाल ली हूँ। ये थोड़ी मुझे गाढ़ी लग रही है, मैं इसमें अभी 1/2 कप पानी ऐड करूँगी। पहले हमने 1/2 कप दूध ऐड करे थे, अब हम 1/2 कप इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे थोड़ा पतला ही रखेंगे, क्योंकि जब हम इसमें अपने वड़े डालेंगे तो ये उसका पानी खींच के ये ठीक हो जाएगी वैसी। ये देखिए, अब हम ये देखिए, हमारे वड़े अच्छे से भीग गए हैं, इसका कलर भी हल्का लाइट हो गया। अब हम इसमें से इसे 2 पीस निकालेंगे और इसे हल्के हाथ से ऐसे इस तरह से दबा लेंगे, इसका पानी पूरा निकल जाए, इतना हमें इसे दबाना है इस तरह से। और अब हम इसे एक एक करके ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से हमें सारे वड़े को पानी में से निचोड़ के दही में छोड़ना है। ये देखिए, सारे वड़े को मैंने अच्छे से पानी में से निचोड़ के टाइट इसे दही में डाल दी हूँ।
हमारे वड़े अगर ऐसे टूटने लगे तब भी आप डरिए नहीं, इसे ऐसी निचोड़े अच्छे से टाइट और इसमें दही में डाल दीजिए। दही में भीगने के बाद सही से सेट हो जाते हैं। इसे हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए आधा घंटा हो गया हमें इसे फ्रिज में रखते हुए, ये अच्छे से सेट हो गई। अब हम इसमें चाट मसाला डालेंगे 2-3 चुटकी। ये देखिए इस तरह से जितना आपको टेस्ट में, आपके टेस्ट के हिसाब से डालिए। और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डालेंगे इस तरह से, हाथ से ही डाले ताकि ये अच्छे से सब जगह बुकिंग। ये देखिए अब हम इस पे गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी कोथमीर डाल देंगे, बहुत थोड़ी सी डालेंगे हम। ये देखिए, ये देखिए हमारे दही वड़े बन करके रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।